इस मूवी की स्टार्टिंग 1962 से होती है, जहां हम एक बड़े से लग्जरी शिप को देखते हैं जिसका नाम एंटोनियो ग्राजा था। उस शिप में बहुत से अमीर लोग डांस कर रहे थे और साथ ही हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम फ्रांसिस्का होता है, वो एक गाना गा रही थी। और वहीं हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैटी होता है। कैटी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए वो एक वर्ल्ड पजल सॉल्व कर रही थी। और तभी उस शिप का कैप्टन वहाँ आकर कैटी को अपने साथ डांस कराने के लिए ले जाता है। और तभी हम उस शिप में एक अननोन पर्सन का हाथ देखते हैं जो कि एक लीवर को खींच देता है। उसके लीवर खींचने से उस शिप का वायर मैकेनिज्म खराब हो जाता है। और तभी अचानक से ये पतली सी वायर वहाँ डांस कर रहे सभी लोगों को बीच में से काट देती है। वहाँ डांस कर रहे सभी लोगों की बॉडी बीच में से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अब कैटी वहाँ पर बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी। कैटी जिस कैप्टन के साथ डांस कर रही थी वो देखती है कि उसका मुंह बीच से ही कट चुका है, जिसे देख कैटी बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम प्रेजेंट समय को देखते हैं, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो लोग एक सेल्वेज ग्रुप से थे। इनका काम था ओशियन में डूबी हुई शिप को बाहर निकालना, जिसके बदले इन्हें बहुत सारा पैसा मिलता था। और हमेशा की तरह इन्होंने एक शिप को निकाला था, जिसे निकालने के बाद ये पोर्ट तक पहुंचा देते हैं, उसके बदले इन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। और इस पैसे को ये 6 लोगों में डिवाइड करते हैं क्योंकि ये ग्रुप 6 लोगों का था। कैप्टन मर्फी, मोरिनेप्स, ग्रियर, डॉज, सेंटोस और मंडर, इनके ग्रुप में कैप्टन मर्फी इन सभी का लीडर था। ये सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और तभी इनके पास एक जेक फेरीमैन नाम का आदमी आता है। जेक उन्हें बताता है कि वो एक वेदर सर्विस पायलट है और उसने पिछले महीने ही इंटरनेशनल ओशियन में एक शिप को देखा है। अब जेक उनसे बोलता है कि जो भी उस शिप को निकालकर पोर्ट तक ले जाएगा वो शिप उसका हो जाएगा। और साथ ही जेक उनसे ये भी बोलता है कि उस शिप से आए 20% पैसों को वो खुद रख लेगा, क्योंकि उस शिप के बारे में उसी ने ही बताया है। अब इसके बाद कैप्टन मर्फी इस ऑफर के लिए अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कशन करने लगता है। अब बाकी सब इस ऑफर के लिए आनाकानी करने लगते हैं और ग्रियर की शादी भी इसी महीने होने वाली थी, इसीलिए वो भी जाने से मना करने लगता है। लेकिन कैप्टन मर्फी बोलता है कि उस शिप से जो भी पैसा मिलेगा वो सब उसे 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इस शिप की कीमत मिलियन में हो सकती है। अब वो सब कैप्टन मर्फी की बात मान लेते हैं। कैप्टन मर्फी जेक से बोलता है कि उसे सिर्फ 10% दिया जाएगा। अब जेक उनकी बात को किसी तरह मान लेता है, लेकिन जेक उनके सामने शर्त रखता है। जेक बोलता है कि वो भी उन्हीं के साथ जाएगा। अब इसके बाद वो सभी अपनी शिप आर्कटिक वॉरियर को लेकर उस शिप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब सेंटोस उस शिप को रेडार में देखने लगता है, लेकिन रेडार में उस शिप का कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अभी वो सभी शिप की लोकेशन के बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से वो शिप उनके सामने आ जाती है और तभी उनकी शिप उस बड़ी सी शिप से टकरा जाती है। और ये वही शिप थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब कैप्टन मर्फी उन सभी को बताता है कि ये शिप 1962 में मिस्टीरियस तरीके से अचानक गायब हो गई थी। अब ये सभी लोग उस शिप के अंदर चले जाते हैं। उस शिप में हम एक वर्ड पजल को देखते हैं जो कि अपने आप ही सॉल्व होकर वेलकम शब्द बनाता है। इसका मतलब वो सभी उस शिप में अकेले नहीं थे, कोई चीज़ उनका वेलकम कर रही थी। अब इसके बाद मर्फी उन सभी को बोलता है कि ये शिप बहुत ज़्यादा पुरानी है और सभी लोग इस शिप पर ध्यान से चलना, क्योंकि इस शिप का फ्लोर कभी भी टूट सकता है। अब मर्फी की इस बात की बोलने की देरी थी, तभी अचानक से मंडर के पैरों के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और मंडर नीचे गिरने लगता है, लेकिन मौके पर मोरिन एप्स उसे बचा लेती है। अब इसी दौरान मोरिन को कैटी दिखती है और कैटी अचानक से गायब हो जाती है। अब इसके बाद वो सभी शिप को एक्सप्लोर करते समय आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे चलने पर डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलती है और इस डिजिटल वॉच का मिलना कैप्टन मर्फी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि ये शिप 1962 में गायब हो गई थी और उस समय तो डिजिटल वॉच हुआ नहीं करती थी। अब मर्फी उन सबसे बोलता है कि हो ना हो इस शिप में उनसे पहले कोई और भी आ चुका है। अब इसके बाद वो सभी रेस्ट करने के लिए अपने शिप में वापस चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी उस शिप को अपने साथ टो कर ले जाएंगे। अब इसी बीच मोरिन को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। मोरिन जेक को बताती है कि उसने उस शिप में एक लड़की को देखा था और वह अचानक से गायब हो गई थी, लेकिन जेक उसको तसल्ली देते हुए बोलता है कि ऐसी जगहों पर ऐसा कुछ दिखना नॉर्मल होता है और शायद ये तुम्हारा वहम होगा। अब अगले दिन उन सभी को पता लग जाता है कि एंटोनियो ग्राजा शिप में एक बहुत बड़ा होल है, जिससे वो शिप धीरे धीरे डूब रही है, जिसकी वजह से वो इस शिप को टो कर भी नहीं ले जा सकते। अब इसके बाद मर्फी उन सबसे बोलता है कि वो सब उस शिप को रिपेयर करेंगे
जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाएंगे। अब इसके बाद वो शिप में जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और वहाँ उनके साथ और भी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं। मॉरिन एक खाली पड़े स्विमिंग पूल में जाती है और वहाँ उसे बहुत सारे बुलेट सेल्स देखने को मिलते हैं और स्विमिंग पूल की वॉल्स पर भी गोलियों के निशान थे। अब मॉरिन उस स्विमिंग पूल से बाहर आने लगती है लेकिन तभी अचानक उसके सामने कैटी दिखाई देती है और जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वापस उस स्विमिंग पूल में आ गिरती है। उसके गिरने से उसके सर में चोट लग जाती है जिससे थोड़ा सा खून स्विमिंग पूल में गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस खून को स्विमिंग पूल सोख लेता है। मॉरिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जेक वहाँ पर आ जाता है। जेक मॉरिन को स्विमिंग पूल से निकालकर उसकी मदद करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही वो खाली पड़ा स्विमिंग पूल अचानक से पूरी तरह खून से भर जाता है और उस स्विमिंग पूल में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। इधर हम मर्फी को देखते हैं जो कि उस शिप के कैप्टन रूम तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक शराब की बोतल और एक गिलास मिलता है और मर्फी उसे पीने लगता है। तभी अचानक उसको मिरर में कैप्टन दिखाई देता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से कांप जाता है और डर जाता है। इधर मॉरिन और जैक को एक गेट दिखता है। जैक किसी तरह उस गेट को खोल देता है लेकिन गेट खुलने के बाद उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ से बहुत सारी डेथ बॉडीज निकलती हैं जिन्हें देखने पर लग रहा था कि इनकी मौत एक या दो हफ्ते पहले हुई थी। वो दोनों ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और खासकर मॉरिन तो कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। मॉरिन जेक को बोलती है कि इस शिप में ज़रूर कुछ गड़बड़ है और उन्हें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। और इसी बीच उन दोनों की नज़र कुछ बॉक्स पर पड़ती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलते हैं वो देखते हैं कि वो बॉक्स पूरी तरह से गोल्ड बार से भरा हुआ था। ये देखकर मॉरिन अपने ग्रुप के सभी लोगों को बुला लेती है और इतना सोना देखने के बाद वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो आए तो थे शिप को ले जाने के लिए लेकिन उन्हें डायरेक्ट ही इतना सारा सोना मिल गया। अब इसी बीच ग्रीर उन सभी को बोलता है कि इस शिप में कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसे एक औरत की गाना गाने की आवाज़ आई थी और साथ ही उसको एक जलती हुई सिगरेट मिली थी। अब ये सुनकर बाकी सभी लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। अब इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो इस सोने को अपने बोट पर ले जाएंगे और उन्हें इस शिप को अब अपने साथ ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो सब अपने बोट में वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन तभी एक इनविजिबल पावर उनके बोट में रखे सिलेंडर को पूरी तरह से खोल देती है। अब कैटी को इस चीज़ का पता लग गया था। कैटी मॉरिन को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक दूसरी स्प्रिट कैटी को अपने साथ ले जाती है। और इधर सैंटोस जैसे ही अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है तभी अचानक वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सैंटोस उस ब्लास्ट में बुरी तरह से मारा जाता है। अब इसके बाद हम मर्फी को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वही इन सबको उस शिप तक लेके आया था। अब इसके बाद हम मॉरिन को देखते हैं जिसे कैटी के बारे में जानना था कि आखिर कैटी कौन है और वो उसे क्यों दिखाई दे रही है। और किसी तरह मॉरिन कैटी का रूम ढूंढने के बाद उसके रूम में चली जाती है। उस रूम में उसे एक लड़की की डेथ बॉडी मिलती है जिसके गले में एक लॉकेट था। अब इसके बाद मॉरिन उस लड़की की डेथ बॉडी से लॉकेट को निकाल लेती है और लॉकेट को देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस लॉकेट में कैटी की फ़ोटो थी और वो समझ जाती है कि वो कैटी की डेथ बॉडी है। और मॉरिन समझ जाती है कि वो कैटी की आत्मा को बार बार देख रही है। इधर हम ग्रीर को देखते हैं जो कि एक कमरे में पहुंच जाता है और तभी अचानक से वो कमरा बदलने लगता है और वो रूम पहले जैसा हो जाता है जैसा वो 1962 में था जहां बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे थे। और ग्रीर को वहां पर फ्रांसिस का दिखाई देती है जो कि गाना गा रही थी। अब ये सब देखकर ग्रीर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसके समझ में कुछ नहीं आता। इधर हम डॉज और मंडर को देखते हैं। उन दोनों को खाना दिखाई देता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे खाने लगते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता लगता है कि वो खाना नहीं था बल्कि वो इतनी देर से कीड़े खा रहे थे। अब ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाते हैं और उसी जगह पर वॉमिट करने लगते हैं। इधर मर्फी के सामने उस शिप के कैप्टन का घोस्ट उसके सामने आ जाता है और वो दोनों साथ में मिलकर शराब पीते हैं। कैप्टन का घोस्ट मर्फी को एक लॉरेना नाम के शिप के बारे में बताने लगता है और उस शिप को इस कैप्टन ने रेस्क्यू किया था और ये सारा गोल्ड उन्हें उसी शिप से मिला था जिसे ये अपने शिप में ले आए। कैप्टन का घोस्ट बताता है कि लॉरेना ही शिप में एक ही सर्वाइवर बचा था। अब इतना बोलकर कैप्टन का घोस्ट मर्फी को किसी की फ़ोटो दिखाता है और इस फोटो को देखने के बाद मर्फी के होश उड़ जाते हैं और ये फ़ोटो किसकी थी ये हमें आगे मूवी में पता लगेगा। अब इधर मॉरिन के सामने अचानक से कैटी का घोस्ट आ जाता है। कैटी मॉरिन को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। कैटी बोलती है कि उसे बहुत सारी सोल्स कलेक्ट करनी है और जब तक वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेता तब तक वो लोगों को मारता रहेगा और कैटी की आत्मा भी उस शिप में कैद रहेगी। अब कैटी आगे कुछ और बताती उससे पहले एक दूसरी स्प्रिट
कैटी को गायब कर ले जाती है। इधर फ्रांसिस का ग्रीर को सिड्यूस करने लगती है और फ्रांसिस का ग्रीर को सिड्यूस कर बहुत बुरी तरह मार देती है। इधर हम मर्फी को देखते हैं जिसे सिप के बारे में बहुत कुछ पता लग गया था। वो अपने ग्रुप के लोगों को बुलाता है और तभी वहाँ पर मॉरिन आ जाती है, लेकिन मर्फी को मॉरिन में सेंटोस की आत्मा दिखाई दे रही थी और वो उस पर अटैक कर देता है। मॉरिन किसी तरह उससे बचकर उसके पैर में एक नाइफ स्टैब कर देती है और इसी बीच वहाँ पर जैक भी आ जाता है। अब इसके बाद जैक और मॉरिन मर्फी को एक चेम्बर में बंद कर देते हैं। अब इसके बाद मॉरिन अपने साथियों से बोलती है कि उन्हें जल्द से जल्द इस शिप को रिपेयर कर यहाँ से निकलना होगा और इसके बाद वो सब अपने काम पर लग जाते हैं। अब इसके बाद मॉरिन उस शिप में थोड़ा आगे तक जा रही थी और तभी कैटी का घोस्ट फिर से मॉरिन के सामने आ जाता है। दरअसल उस शिप पे बहुत से घोस्ट थे, लेकिन कैटी की स्प्रिट किसी के काबू में नहीं थी और कैटी मॉरिन की मदद करना चाहती थी, इसीलिए कैटी मॉरिन को इस बार 1962 वाली रात में ले जाती है। अब मॉरिन वहाँ देखती है कि सोने के लालच में सैफ ने खाने में पॉइजन मिला दिया जिससे बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग उस थिन वायर की वजह से कटकर मर गए और बचे हुए लोगों को गोलियों से भून दिया गया था और कैटी को भी उसके कमरे में ले जाकर लटका कर बुरी तरह से मार दिया गया था। अब इसके बाद मॉरिन देखती है कि कुछ लोग गोल्ड तक पहुंच गए थे, लेकिन फ्रांसिस्का ने उन्हें सिड्यूस कर बुरी तरह मार दिया और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि फ्रांसिस्का को एक हुक से बुरी तरह मार देता है और जब मैरिन उस आदमी का फेस देखती है वो बुरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था जो कि उन्हें भी इस शिप तक लेके आया था। दरअसल जैक एक डीमन है और एक सोल कलेक्टर है जो कि लोगों को मारकर उनकी सोल कलेक्ट कर लेता है और तब तक लोगों को मारता है जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। अब इसके बाद मॉरिन को सब कुछ पता लग गया था, इसीलिए वो वहाँ से निकलने के लिए मर्फी के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि मर्फी तो पानी में डूबकर कब का मर चुका था। मॉरिन उस फोटो को देखती है जो कि कैप्टन ने मर्फी को दी थी और मॉरिन देखती है कि वो फोटो जैक की ही थी। अब इसके बाद मॉरिन ये सब बताने के लिए डॉज के पास जाती है। अभी मॉरिन ने कुछ बोलना स्टार्ट किया ही था तभी अचानक से वहाँ पर जैक आ जाता है और मॉरिन जैक के सामने ऐसा बिहेव करती है जैसा उसे कुछ पता ही नहीं। मॉरिन डॉज को सावधान रहने को बोलती है और इसके बाद मॉरिन मंडर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर हम मंडर को देखते हैं जो कि उस शिप का इंजन रिपेयर कर रहा था और अचानक से इंजन अपने आप ही ऑन हो जाता है और मंडर उसमें कटकर बुरी तरह से मर जाता है। इधर जैक को पता लग जाता है कि वो सब उसके बारे में जान चुके हैं और उसकी सच्चाई उन्हें पता लग चुकी है, इसीलिए जैक डॉज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डॉज एक गन से जैक को शूट कर देता है। अब इसके बाद डॉज मॉरिन के पास जाता है। मॉरिन उस शिप में पूरी तरह से बॉम्ब लगा रही थी ताकि वो शिप को ब्लास्ट कर उसे डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन डॉज मॉरिन को ऐसा करने से मना कर देता है। डॉज बोलता है कि उसके ऐसा करने से गोल्ड भी ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन मॉरिन उसकी बात नहीं मानना चाहती थी और तभी डॉज अपने असली रूप में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो डॉज नहीं बल्कि जैक था। असल में जैक के पास भेष बदलने की भी पावर थी। अब इसके बाद जैक मॉरिन को बताता है कि वो एक सोल कलेक्टर है और वो लोगों को मारकर उनकी सोल कलेक्ट कर ले जाता है। जैक मॉरिन को बताता है कि वो जानबूझकर उन्हें इस शिप तक लेके आया था ताकि वो इन सभी को मारकर अपना टारगेट पूरा कर सके। जैक मॉरिन को बताता है कि अगर तुमने इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस शिप में सभी स्पिरिट जो कि यहाँ पर कैद हैं वो सभी आज़ाद हो जाएंगी और वो ऐसा नहीं चाहता। जैक मॉरिन को बोलता है कि वो यहाँ से चुपचाप चली जाए, लेकिन मॉरिन बोलती है कि वो इस शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी और इसके बाद जैक मॉरिन पर टूट पड़ता है, वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉरिन किसी तरह बचकर एक गन से बॉम्ब के ट्रिगर को दबा देती है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो शिप डूबने लगती है। कैटी की सोल मॉरिन को उस शिप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और हम देखते हैं बहुत सी सोल्स जो कि उस शिप में कैद थी वो सभी सोल्स अब आजाद हो चुकी थी और इसके बाद वो सभी सोल हेवन में चली जाती हैं। अब इसके बाद हम एक दूसरी शिप को देखते हैं। उस शिप के लोग मॉरिन को देख लेते हैं और इसके बाद वहाँ से मॉरिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसी बीच मॉरिन जैक को देखती है जो कि अभी तक मरा नहीं था। जैक किसी और शिप में उस गोल्ड को लोड करवा रहा था ताकि अब वो किसी और शिप को अपना शिकार बना सके। जैक को जिंदा देख मॉरिन बहुत तेज से चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।